नमस्कार, स्वागत है आपका पाव ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सोमवार सुबह देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही है। सिक्स निफ्टी पर खासतौर से नजर डालें तो 250 अंकों की कमजोरी अब यहां नजर आ रही है। 16900 के नीचे हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। बाकी मार्केट्स की अगर बात करें, जापान का बाजार निके, यहां पर तकरीबन 120 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। डाओ नैसडैक फ्यूचर्स पर डाले नजर तो डाओ फ्यूचर्स इस समय तकरीबन 60-65 अंकों की स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 0.5% की स्ट्रेंथ हमें नैसडैक में दिखाई दे रही है जो कि 50 अंक ऊपर है। वहीं कमोडिटी मार्केट में बात करें तो एक कच्चा तेल छोड़ दें तो बाकी पूरे जो ग्लोबल कमोडिटीज है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब तो ऊपरी स्तरों से कच्चा तेल भी दबाव दिखा रहा है और ऑलमोस्ट 0.5% की कमजोरी नजर आ रही है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते, आज के लिए कौन से अहम क्यूज है, कहाँ रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या हुआ है, कुछ ना इक्विटी स्पेस से ना कमोडिटी स्पेस से कोई अच्छी खबर नहीं है। वैसे कच्चा तेल का नीचे होना तो अच्छी बात ही है, लेकिन क्या हो रहा है? हार्डली जरा सा ही नीचे है, कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई है कहीं पर भी जिससे आप एक कंफर्ट कॉन्फिडेंस ले सकें। आज थोड़े ग्लोबल क्यूज कम रहने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे बाजार आज बंद हैं। सिंगापुर, हांगकांग, चीन, यूके, रूस के बाजार आज बंद रहने वाले हैं तो वहाँ से कुछ संकेत नहीं आएंगे। कुछ और चीज़ें इस हफ्ते की जहाँ पर आपको रखनी है नज़र, मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में बताता हूँ। बट आप फ्राइडे का एक्शन देखे नेहा, और पिछले हफ्ते की कहानी ये रही है, एक दिन बड़ी मूव आती है ऊपर की तरफ, एक दिन बड़ी मूव आती है नीचे की तरफ। तो फ्राइडे को हमने देखा 940 अंक डाउ टूटते हुए आपको दिखाया, तो भारी भारी गिरावट हमने देखी है जहां तक फ्राइडे के सेशन का सवाल है, और दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ, बड़ी गिरावट आई। और जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो ऐसे गिरावट के संकेत नहीं थे बल्कि मूड माहौल ठीक ठाक ही दिख रहा था, तो उसके विपरीत एक बहुत बड़ी गिरावट आपने डाउ में देखी है। और एक बार फिर से विलन्स थे यहां पर आईटी स्टॉक्स, और इस बार हमने देखा एक दिन में 4% नैसडैक आपके लिए टूट कर आया, तो जम के पिटाई हुई है आईटी स्टॉक्स। S&P 500 3.5% नीचे था, रसल 2000 में 0.3% की गिरावट थी, तो अक्रॉस द बोर्ड भारी सेलिंग आपने देखी है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। और उसी का रिफ्लेक्शन देखिए आज सुबह जितने भी बाकी के एशिया के बाजार खुले हैं वहां पर आपको आते हुए दिख रहा है, स्पेशली एसजेक्स निफ्टी जो अब 250 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नतीजों के हमने बता ही दिया था कि जिस तरह के नतीजे आए थे पोस्ट मार्केट अर्निंग्स में, तो अमेजॉन पर देखिए 14% की पिटाई हुई है, तीसरी चौथी सबसे बड़ी कंपनी है यूएस की, अगर एक दिन में 14% गिरती है तो आप देख सकते हैं कि बाजार पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। साथ ही एप्पल पर हमने देखा कि 3.5% की गिरावट थी, 16 साल में सबसे बड़ी गिरावट आपने अमेजॉन के शेयर में एक ही दिन आती हुई देखी, तो उसका इंपैक्ट बाजार की स्क्रीन पर आपको आते हुए दिखा है। कोर पर्सनल कंजम्पशन डेटा जो आया है वो बढ़कर आया है, तो यानी अनुमान है इस हफ्ते जो फेड की बैठक होने वाली है उसमें रेट हाइक तो है ही, अग्रेसिव कितनी कमेंट्री रहती है बस वहीं पर आपको रखनी पड़ेगी नज़र। और एक चीज़ और जिसकी वजह से आईटी शेयर्स में परेशानी है बट इक्विटीज़ के लिए भी एक नेगेटिव है, 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ा हमने देखा था पिछले हफ्ते दायरे में रही 2.8% के आसपास, अब ये वापस उछलकर 2.95% पर आ गई है, तो काफ़ी बड़ी उछाल वापस बॉन्ड यील्ड में आई है जिसकी वजह से चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार फिर भी ठीक थे बट अगर आप अप्रैल में यूएस बाजारों की चाल देखें नेहा, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो 5% की गिरावट डाउ में है, 8.5% S&P गिरा है, नैसडैक 13.5% गिरा है जो कि 2008 यानी कि महामारी भी नहीं 2008 के बाद की सबसे बड़ी मंथली गिरावट आती हुई देखी, यानी कि कोरोना की पिटाई में भी एक महीने में इतना बुरा नहीं गिरा था नैसडैक जितना हमने इस अप्रैल के महीने में आते हुए देखा है, तो वो एक परेशानी का संकेत है जिसकी वजह से बाजार पर इंपैक्ट आ सकता है। कच्चा तेल जैसे आपने कहा $107-$106 के आसपास है, ठीक है वहां पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, पिछले हफ्ते हमने भी थोड़ा मूव यहां पर आते हुए देखा था। सोना वापस $1900 के नीचे आ गया है तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि एटलीस्ट इतना रिस्क ऑफ सेंटिमेंट नहीं है बाजार में। बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई है, डॉलर इंडेक्स अपनी 20 साल की ऊंचाई से थोड़ा फिसला जरूर है बट अप्रैल के महीने में 5% लगभग डॉलर इंडेक्स बढ़कर आया है जो कि 7 साल में सबसे बड़ी मंथली मूव आई है, तो डॉलर पर रखिए नजर, आईटी स्टॉक्स की पिटाई पर रखें नजर, और जिस तरह से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड मूव कर रही है वहां पर रखनी है आपको नजर, एंड ऑफ कोर्स नजर रखनी है इस हफ्ते जो फेड की बैठक है, 0.5% से तो रेट बढ़ने वाले हैं ये तो बाजार जान चुका है, आगे की कमेंट्री कैसी रहती है उस पर रहेगी नजर, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी, लगातार चौथी रेट हाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड अनाउंस कर सकता है, इसके साथ ही महीने की शुरुआत है तो काफी सारा और इकोनॉमिक डेटा आने वाला है वहां पर आपको रखनी है नजर, नतीजे लगे हुए हैं और यूएस की बेरोजगारी का डेटा आएगा तो वहां पर भी आपको देखना है, तो ओवरऑल एक्शन पैक्ड हफ्ता है,
एंड ऑफ कोर्स इस समय के संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस समय के संकेत अच्छे नहीं, इनफैक्ट मेटल्स की भी अगर बात करें तो हमने देखा है कि कॉपर एल्यूमिनियम जम के पिटाई हुई है, 1 से 3 महीने के लोस पर है, एंड सबसे खराब प्रदर्शन वीकली फ्रंट पर अगर देखा जाए तो कॉपर एल्यूमिनियम में देखा है। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो यहां पर अमूमन हमने देखा है कि कैश स्पेस में एफआईआईज ने प्रदर्शन ठीक नहीं दिखाया, लेकिन ये शुक्रवार एक अपवाद साबित हुआ है। ऑलमोस्ट 3,650 करोड़ के पास की हमने खरीदारी, आई थिंक उस आंकड़े में कुछ गड़बड़ी है, ये माइनस का फिगर है, तो आई थिंक बिकवाली यहां पर देखने को मिली है। डीआईआईज की अगर बात करें तो इनकी तरफ से हमने लगातार देखा है कि खरीदारी ही बनती हुई नजर आई है। बिकवाली अगर एफआईआईज की तरफ से रही भी है तो भी हमने देखा है कि यहां पर इनकी तरफ से खरीदारी बरकरार रही, और एफएनओ स्पेस में भी हमने पिछले हफ्ते एफआईआईज की तरफ से प्रदर्शन अच्छा ही देखा है। तो जिस प्रकार के संकेत हमें यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, उनके मद्देनजर हमारे मार्केट्स आज कैसे ओपन होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकेत तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आज हमारी ओपनिंग कैसे हो सकती है? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए ओपनिंग तो खराब ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के संकेत है अमेरिकी बाजार में वो बेहद तेज गिरावट के है, और उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब रहे अमेरिकी बाजार शुक्रवार के सेशन में। और आज भी डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में है, कोई साइजेबल बड़ी रिकवरी वहां नजर नहीं आ रही, तो गिरावट से हम बच तो नहीं सकते। और दूसरा ये कि उतार चढ़ाव भारी है, शायद फेड की मीटिंग के बाद हमारे बाजार संभलते हुए नजर आए और अमेरिका के बाजार संभलते हुए नजर आए, ये देखता होगा इंटरेस्टिंग। तो जो लेवल्स अब हैं ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर, हम परसों पहुंचे थे, आई मीन गुरुवार को, जो 17,400 के करीब पहुंचकर वापस ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर 16,800 की तरफ पहुंचने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है आज के सेशन में। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पर आपको 16,875 सपोर्ट रेंज के तौर पर लेकर चलना चाहिए। बड़ी कमजोरी, फ्रेश कमजोरी तब होगी जब 16,800 के नीचे जाकर बाजार ट्रेड करना शुरू करे, टिकना शुरू करे, अदरवाइज 16,800 के आसपास 25-50 पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि यहाँ से लगभग आप समझ लीजिए 300 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट नीचे आपको एसएक्स निफ्टी दिखाई रहा है। अब आइए ऊपर की तरफ, 17,175 ये ऊपर की तरफ आपके लिए सप्लाई जोन है, इनफेक्ट गैप से खुलने के बाद 17,000 के ऊपर निकलना फिर वापस से चैलेंज होगा, तो लोअर एंड पर हम पहुंचेंगे ट्रेडिंग रेंज के, ये आज दिख रहा है। इंपॉर्टेंट यही है कि होल्ड कर पाते हैं या नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी, इमीडिएट जो सपोर्ट है 35,425 35,525 आई थिंक वहां पर हम खुलने चाहिए या वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, वो टूटा तो फिर थोड़ी कमजोरी 35,000 तक की आगे बन सकती है। ऊपरी स्तरों पर 36,175 36,400 ये सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और वहां पर आने पर आपको प्रॉफिट की और बिकवाली दोनों आती हुई दिखेगी। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए, निफ्टी में 16,800 से 875 आज ये सपोर्ट रेंज का काम करेगी, अपर बैंड में ऊपर निफ्टी 17,100 से 175 का लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो यहां पर जो सपोर्ट रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 35,425 के आसपास की दिखाई दे रही है, ये एक रेंज आपको पकड़ के चलना है 425 और 525 की, एंड अपर बैंड में आपको 36,175 से 36,400 ये एक अपर लेवल है जो आपको आज बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का मूड मिजाज है ये तो हमने जान लिया, लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए वीकेंड पर कौन कौन सी कंपनी के नतीजे जारी हुए हैं? सबसे पहले नतीजों में इंडसइंड बैंक पर ध्यान रखिएगा जिसमें अनुमान के मुताबिक नतीजे आए हैं, एनआईआई जो है वो लगभग 12.7% बढ़ी है, मुनाफा जो है वो लगभग 55.4% बढ़ा है, और यहीं बोर्ड ने डिविडेंड भी रिकमेंड करा है 8.5 का। अब बात करें अगर विप्रो की तो विप्रो की भी मिक्स्ड नतीजे आए हैं, हालांकि जो आए हैं वो 2.7% बढ़ी है, आईटी डॉलर रेवेन्यू जो है वो लगभग 3.1% बढ़ा है, वहीं अगर आप कॉन्सो मार्जिन्स देखेंगे तो वो घट कर आए हैं पर लगभग जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आए हैं, और मुनाफा जो है वो लगभग 4% की उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। टाटा केमिकल अच्छे नतीजे आए हैं, आय जो है वो लगभग 32% बढ़ी है, एबिटा जो है वो लगभग 123% बढ़ा है, वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी अच्छा खासा बढ़कर 12 करोड़ से बढ़कर 438 करोड़ पर आया है। कैनफिन होम्स के भी नतीजे अनुमान से बहतर आए हैं, एनआईआई लगभग 28% बढ़ी है, मुनाफा देखेंगे वो लगभग 20% बढ़ा है, और निम्स जो है वो भी बेहतर होकर 3.74% से बढ़कर 4.15% आए हैं।
साथ ही एल एन टी फिनेंस के नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर आए हैं। एनआईएज 5.3% गिर कर आई है। मुनाफा में हालांकि 28.2% की बढ़ोतरी हुई है, हमारा अनुमान तो फिर भी 480 करोड़ का था, जो मुनाफा आया वो 342 करोड़ पर आया है। और वहीं एनआईएम्स में थोड़ी बहुत अच्छी देखा गया इंप्रूवमेंट, उसमें 6.3% से बढ़कर 6.4% आए हैं। वहीं अंत में IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें नतीजे जो हैं वो हमारे अनुमान से कमजोर आए हैं। NIS 36% बढ़ी हैं, हालांकि हमारा अनुमान 2737 का था और अभी जो आई हैं वो लगभग 2669 के आसपास आई हैं। मुनाफा लगभग 2.7 टाइम्स हुआ है। और अगर आप NIMS की बात करें तो NIMS भी लगभग स्टेबल रहे हैं। ओके अरमान, अब साथ में ये भी बता दीजिए कि आज के लिए कौन से ट्रिगर्स महत्वपूर्ण हैं, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहां कहां किन स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, निफ्टी में आप देखेंगे तो रिजल्ट नतीजों में आज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, HDFC और अगर FNO की बात करें तो उसमें एलेम्बिक फार्मा, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके नतीजे हैं। साथ में शॉर्ट टर्म ASM आज FNO स्टॉक्स के लिए अप्लाई हो जाएगा और फॉर वो FNO ट्रेड्स के लिए आपको 50% का कैश मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा। वहीं आज हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस फ्रॉम 2 मई से 4 मई तक विजिट भी करने वाले हैं। अब अप्रैल महीने की ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के, जिसमें आप सबसे पहले PV सेगमेंट में अगर देखेंगे तो मारुति सुजुकी के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से कमजोर आए हैं। जो कुल बिक्री आई है वो लगभग 11.6% घटकर आई है। वहीं अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो उनके अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं, हालांकि घटी है 1.7%, बट अनुमान और ज़्यादा घटने का था। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो वहीं हीरो मोटर कैप है, उसके अनुमान से कमज़ोर नतीजे आए हैं। जो कुल आए हैं वो लगभग 0.7% लगभग घटकर आई है। हमारा अनुमान लगभग 4,50,000 का था और घटकर 4,18,000 के आसपास आई है। वहीं आप आयशर मोटर की बात करें तो उनके भी अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। रॉयल एनफील्ड की जो सेल्स है वो लगभग 8.2% घटकर आई है। और अगर मैं CV सेगमेंट की बात करूं तो उसमें टाटा मोटर्स हैं, वहां पर वापस से बेटर देन एस्टिमेट्स हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। टोटल जो CV कारोबार है उसकी जो सेल्स है वो 34.5% घटकर आई है, हमारा अनुमान और ज़्यादा घटने का था। वहीं अगर आप आयशर मोटर की बात करें इसी सेगमेंट में तो वहां पर भी लगभग 37% की कटौती देखी गई है। अब ट्रैक्टर्स में एस्कॉर्ट्स के हैं नतीजे, एस्कॉर्ट्स के हैं बिक्री के आंकड़े, जिसमें जो कुल सेल्स हैं, जो कुल उनका क्वांटिटी ऑफ सेल्स है वो लगभग 17.4% घट कर आई है। अब कुछ खबरों में जैसे GE पावर इंडिया है, जिसमें ग्रेनको से इनको ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर लगभग 860 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। एस्ट्रल लिमिटेड, जिसमें बोर्ड से जो जेम पेंट्स प्राइवेट में है, वो 51% का हिस्सेदारी खरीदने को उनको मंजूरी मिल चुकी है और शुरुआत में स्टार्टिंग में वो लगभग 194 करोड़ का उसमें निवेश करेंगे। अंत में डेल्टा कॉप है, जिसमें NGT ने डेल्टिन कैरेविला, जो कि इनका एक गोवा में है, वहां पर उसको बंद करने के लिए कहा गया है। हालांकि कंपनी ने ये कहा है कि वो NGT के इस फैसले को चुनौती देंगे। ओके, पॉइंट टेकन। अरमान शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है कि टाटा कम्युनिकेशंस आज आप खरीद के चले। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1065 का और इस स्ट्रैटेजी में आपको टारगेट मिल जाएगा 1145 का। वहीं अनुराठी सिक्योरिटीज, टाटा कंज्यूमर्स खरीदने की सलाह है। इस स्ट्रैटेजी पे आपको स्टॉप लॉस लगाना 810 का और 850 का टारगेट आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब आज के बाजार के लिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है और क्या रणनीति सुझाने की वो सलाह दे रहे हैं, किन स्टॉक्स में पैसे लगा के आपको होगा मुनाफा, इन सब पर बात करने के लिए सेंट्रल ब्रोकिंग के निलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निलेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर आज क्या रणनीति अपनाए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। नेहा जी देखिए, ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर उतना ठीक नहीं लग रहा है। पिछले सप्ताह टुवर्ड्स दी क्लोजिंग हमें एक क्रैक देखने को मिला था और वो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अभी हमें और फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा ये मानना था कि 17,000 तक का मूव हमें देखने को मिलेगा और जो HDFC निफ्टी है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है हम 16,900 16,850 तक के लेवल टेस्ट करते हुए नजर आए। जो क्रूशियल सपोर्ट है वो अभी भी 16,800 से 16,850 की जोन में बना हुआ है, जहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो और खराब होगा अगर 16,800 के लेवल निचले स्तर पर ब्रीच होते हैं। अगर वो लेवल डिफेंड करते हैं तो डेफिनेटली वहां से एक पुल बैक भी देखने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे करंट लेवल पे बिपाली का ही ट्रेड होगा 17,150 के स्टॉप लॉस से। 17,000 के टारगेट जो हमने सुझाए थे, मैं कहूंगा कि सेकंड टारगेट अगर लगाना है तो डेफिनेटली 16,900 16,850 तक के भी लगाए जा सकते हैं। और ओवरऑल बैंक निफ्टी की ओर अगर हम नजर डालें तो एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन वहां भी देखने को मिला था, एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमने फ्राइडे के सेशन में बनता हुआ नजर आया था, जो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे भी गिरावट गहरा सकती है। 35,000
535,300 तक के लेवल बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर खराब लग रहा है, वहां पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, पॉइंट टेकन। अब ये बता दीजिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है, मतलब किन स्टॉक्स में पैसे लगा के कमाई होती दिख रही है? देखिए, एक खरीदारी और एक बिकवाली का ट्रेड है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा बिकवाली के ट्रेड से। सन टीवी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर खराब होता हुआ नजर आया था हमें फ्राइडे के सेशन में, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया था। तो 490 के स्टॉप लॉस से इसे बेच के चल सकते हैं 465 से 460 तक के टारगेट के लिए। वहीं जो खरीदारी के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है वो है दीपक नाइट्रेट में। स्पाइट ऑफ दी वीकनेस इन द मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था फ्राइडे के सेशन में। यहाँ पे अगर गिरावट होती है तो थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर इसे हम देखें तो काफी अच्छा एक बेट ये माना जा सकता है 2280 के स्टॉप लॉस से 2400 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, आपने ये तो बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ एक्शन बनता हुआ स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहा है। अगर मैं चुनिंदा इंडाइसेस की बात करूं, गिवन द फैक्ट कि कमोडिटी स्पेस में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर बना हुआ है, खासतौर से मेटल्स की जो कहानी अगर हम देखें वहां पर फिर से दबाव बनना शुरू हुआ है थैंक्स टू चाइना, क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन जैसी दिक्कतें दिख रही है, मेटल स्पेस में आप कहीं फोकस करके आज या इस हफ्ते चलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मेटल स्पेस में काफी समय से हमारा ध्यान थोड़ा नेगेटिव साइड में, स्पेसिफिकली हमने कहा था कि एल्यूमिनियम प्ले, एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई जो भी कंपनी है जैसे हिंडाल्को एंड नालको, वहां पे एक बहुत ही बड़ा क्रैक हमने ऑलरेडी देख चुका है। और जो हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है अभी भी ये लग रहा है कि हिंडाल्को यहाँ से और वीकनेस दिखा सकता है, नालको में और वीकनेस आ सकती है। हालांकि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पे इनफैक्ट अगर और गिरावट होती है तो एक बार के लिए कॉन्ट्रा बेट लॉन्ग साइड में लिया जा सकता है। तो टाटा स्टील थोड़ा सा बेटर प्लेस लगता है लॉन्ग साइड के लिए, हिंडाल्को नालको दोनों को अवॉइड करने की सलाह होगी है। वहीं इसके अलावा अगर कोई सेक्टर लॉन्ग साइड में देखना है तो वहाँ पे वो होगा डिफेंसिव स्पेस, जैसे कि FMCG और फार्मा, ये दो सेक्टर हैं जहाँ पे इनफैक्ट डाउनसाइड थोड़ी सी कैप लगती है, गिवन द फैक्ट वी हैव ऑलरेडी विटनेस अ ह्यूज करेक्शन। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड में फोकस करना चाहिए, सेक्टर रोटेशन गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है बाजार की गिरावट में, डिफेंसिव में फोकस लौटता हुआ नजर आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच निलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किन किन इंडाइसेस में, स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है और कमाई होती दिख सकती है। और अब कमोडिटी बाजार की रणनीति रखते हैं आपके सामने, मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा की जो रिकमेंडेशन है वो अब आपको फटाफट बता देते हैं। तो हमने बीते हफ्ते देखा कि एक कच्चे तेल को छोड़ दें तो बाकी सब जगह हमने एक प्रेशर बनता हुआ देखा है, तो आज मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो रिकमेंडेशन आ रही है वो गोल्ड में बिकवाली की निकल के आ रही है। आप देखेंगे कि आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना $1900 के नीचे लुढ़क गया है, 1890 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ देखा है। तो सेल की रिकमेंडेशन जून कॉन्ट्रैक्ट में है 51750 के पास, नीचे 51300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को हमने ₹500 ऊपर क्लोजिंग देखी थी, लेकिन आज रहेगा प्रेशर 51950 का स्टॉप लॉस लगाएं। चांदी, यहां पर आज सुबह सुबह भारी गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट $22.60 के पास हमने चांदी को ट्रेड करता हुआ देखा है, जो कि 3 महीने का निचला स्तर है। बिकवाली की रिकमेंडेशन यहां पर भी, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सेल करके M6 पर चले 64,500 के पास, 64,900 का स्टॉप लॉस लगाएं और 63,200 का आपको नीचे टारगेट लेकर चलना है। हालांकि कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर आज हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा सा मिला जुला सा दायरे का ट्रेंड है। इसके मद्देनजर आज मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन आई है, मई वायदा 8,020 के पास खरीद के चले, 8,250 का टारगेट, 7,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़।